द केरला स्टोरी का आज ट्रेलर आया और ये ट्रेलर बहुत ही दमदार था, खासकर मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था। अगर किसी ट्रेलर को देखने के बाद आपको ऐसा लग जाए कि ये हमारे साथ हो गया तो क्या होगा, तो भैया समझ जाना कि मूवी के एक्टर्स ने मेहनत करी है। जितना तगड़ा ये ट्रेलर था, अगर इतनी तगड़ी मूवी भी बन गई है तो भैया पक्की बात है कि ये 200-300 करोड़ रुपए तो आराम से कमाएगी। ट्रेलर में कुछ ऐसा दिखाया गया है, शुरुआत से बताता हूँ कि भैया कुछ जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो पहनती हैं इसमें बुर्का, और हिंदू लड़कियां पहनती हैं नॉर्मल जो अपना पहनावा होता है। तो ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तो हिंदू लड़कियों को कुछ मुस्लिम लड़के छेड़ देते हैं, तो हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कियां समझाती हैं कि हम बुर्का पहनते हैं, हमें कोई नहीं छेड़ता, क्योंकि हमारी जो रक्षा है या फिर हिफाजत है, कुछ भी बोल लो, वो अल्लाह करता है। तो तुम भी बुर्का पहना करो, तुम्हें भी कोई नहीं छेड़ेगा, तुम सेफ रहोगी, या फिर हिजाब पहना करो, तुम सेफ रहोगी, कुछ ऐसे वो बोलती है उन हिंदू लड़कियों को। अब उन हिंदू लड़कियों के साथ कुछ बदतमीजी ज्यादा हो जाती है मुस्लिम लड़कों द्वारा, तो वो भी दिमाग में ये बैठा लेती हैं कि बुर्का पहनने से सेफ रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सब कुछ प्लान के मुताबिक था, तो भैया कुछ मुस्लिम लड़के उन लड़कियों को फिर अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं हिंदू लड़कियों को, और वो इस कदर जाल में फंस जाती हैं कि भैया वो अपने परिवार को त्याग देती हैं, हिंदू लड़कियां अपने परिवार को त्याग देती हैं एक मुस्लिम लड़के के चक्कर में। लेकिन वो मुस्लिम लड़का गद्दार होता है और वो निकाह कर लेता है, मतलब शादी कर लेता है उनसे, और शादी भी पूरी मुस्लिम रीति रिवाज से होती है, और उन मुस्लिम लड़कों के चक्कर में ये हिंदू लड़कियां अपने घर परिवार तक को छोड़ देती हैं, क्योंकि वो गद्दार मुस्लिम लड़के कुछ ऐसे जाल में फंसाते हैं हिंदू लड़कियों को कि वो उनके प्यार में फंसती ही चली जाती हैं। ये बात शुरू कहां से हुई थी कि बुर्का या फिर हिजाब पहनोगे तो सेफ रहोगे, और ये बात जा कहां रही है, आतंकवाद की तरफ। और फिर उनको ISI में भर्ती कर दिया जाता है और उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। जो मूवी की लीड एक्ट्रेस है अदा शर्मा, वो बताती है कि मैं तो नर्स बनना चाहती थी लेकिन ISI आतंकी बन गई। और ऐसा कुछ 32,000 लड़कियों के साथ होता है, और ये मुस्लिम लड़के टारगेट करते हैं सिर्फ ईसाई और हिंदू लड़कियों को केरला में। कुछ हिंदू लड़कियां अफगानिस्तान की जेल में होती हैं, कुछ इसराइल की जेल में होती हैं, और ये आतंकवादी बन चुकी होती हैं। और इनके दिमाग में सिर्फ यही रिग्रेट होता है कि उस वक्त थोड़ा समझ जाते, परिवार की बात मान लेते, इन लड़कों के चक्कर में ना फंसते, तो आज हम कहीं और होते। अब ये तो पता नहीं कि मूवी एक प्रोपेगेंडा है या फिर सही है, लेकिन इसमें बताया गया कि ये सच्ची कहानी पर आधारित है। लेकिन कहना पड़ेगा कि मूवी में दम है, किसी का भाई किसी की जान जैसी ये मूवी नहीं है, भैया कुछ अलग करा है मेकर्स ने, कम बजट में बहुत ही तड़कती भड़कती चीज बना दी है। 5 मई को ये थिएटर्स में आ जाएगी। और आपको मैं एक बात बताऊं, मूवी पर भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा सुनो। जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मैंने ये जानना चाहा कि सच में ऐसा हुआ है कभी कि 32,000 लड़कियों ने इस्लाम कबूल करा हो। थोड़ी बहुत मैंने अपनी रिसर्च करी, लेकिन रिसर्च में ये पाया कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और इतना बड़ा कांड होगा तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या गुपचुप में होगा? क्या मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसको कभी नहीं बताया? मैं आपसे पूछता हूं, इस फिल्म से पहले आपने कहानी कभी सुनी थी क्या? अगर 32,000 लड़कियों ने इस्लाम कबूल कराया तो उनके पेरेंट्स आज कहां हैं? लेकिन मैंने ये जरूर पाया मेरी रिसर्च में कि 2600 लड़कियों ने जरूर करा है इस्लाम कबूल, और ये खुद केरला के CM ने कहा था कि 2600 के आसपास लड़कियां इस्लाम कबूल कर चुकी हैं जो पहले ईसाई और हिंदू थी। लेकिन इस मूवी में दिखाया 32,000। एक बात और बताता हूँ, इस बात का कहीं भी प्रूफ नहीं है कि जिन 2600 लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया वो ISI में चली गई हैं। लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि भैया जो 32,000 लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया है वो आतंकवादी बन चुकी हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सच्चा प्यार मिल गया क्या वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे को तो प्रूफ नहीं मिला मेरी रिसर्च में कि कुछ लड़कियां जो इस्लाम में गईं वो आतंकवादी बन गई। अब मुझे ये नहीं पता कि वो बन गई या नहीं बनी, लेकिन मुझे नहीं मिला। और अगर आपको मिलता है ये प्रूफ कहीं पर कि हाँ कुछ लड़कियां आतंकवादी बन गई हैं इस्लाम कबूल करने के बाद केरला में, तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में बताओ, मैं भी जाके दिखूंगा कि भैया कहाँ पे आपको ये प्रूफ मिला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मूवी को मूवी की तरह ही देखना, ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि इस बात की तो मैं गारंटी दे दूं कि जो मूवी में दिखाया गया है वो सारी बातें सच नहीं है। अगर आपको लग रही है कि सच है तो रिसर्च करो, और आपको कुछ मिले तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना कि मुझे ये मिला है। और आपको क्या लगता है, 5 मई को मूवी देखने जाने वाले हो या फिर नहीं? और ये भी बताना कि ये मूवी जवान को आदिपुरुष को टक्कर देगी या फिर नहीं, कॉमेंट्स में बताना। मैं हर एक कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। प्लीज़ करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।